जैन के फिजिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए अभी बीपीएसएससी अर्थात बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन का ने एसआई यानी हमारा सब इंस्पेक्टर दारोगा का फॉर्म को रिलीज किया है। देखिए इसमें देखिए हमारा बीपीएसएससी अर्थात हमारा बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन ने हमारा एसआई अर्थात हमारा सब इंस्पेक्टर के वैकेंसीज को रिलीज किया है, जिसमें हमारा टोटल 1275 पोस्ट है और इसका हमारा एप्लीकेशन डेट हमारा 5 नवंबर तक है। इसमें हमारा जनरल और ओबीसी कैटेगरी के एप्लीकेशन फी हमारे 700 रुपीज है और जो हमारा एससी और एससी कैटेगरी से है उसका हमारा एप्लीकेशन फी 400 रुपीज। समझ में आ गया? देखिए इसमें जो हमारा एलिजिबिलिटी है वो हमारा देखिए जनरल का हाइट हमारा 165 है और जो हमारा ओबीसी का हाइट है वो हमारा 160 है और जो हमारा एससी और एसटी का हमारा हाइट है वो भी हमारा मेल कैंडिडेट के लिए 160 ही है, लेकिन हमारा फीमेल कैंडिडेट के लिए हमारा 155 है। कितना है? 155 सेंटीमीटर। समझ में गया? देखो यहाँ पर वन लगभग देखो 165 का मतलब होता है हमारा 5 फीट 5 इंच, 160 का मतलब होता है हमारा 5 फीट 3 इंच हो गया और 155 का मतलब होता है हमारा 5 फीट 1 इंच, यानी हमारा देखो 5 फीट में होता हो जाता है हमारा 152.4 सेंटीमीटर। कितना होता है? 152.4 सेंटीमीटर। तो इसलिए उसके अनुसार इसको करना है। समझ में गया? देखो इसी के अनुसार हम लोग को तैयारी रखना है। देखिए इसमें टोटल हमारा कितना पोस्ट है? 1275 पोस्ट है। टोटल कितना पोस्ट है हमारा? 1275 पोस्ट है। समझ में गया? देखो ये जो हमारा इसमें जो हमारा एप्लीकेशन डेट है इसमें एप्लीकेशन डेट कब से? 5 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक। समझ में गया? देखो तो इसमें जो अप्लाई करोगे तो देखो इसमें जो एग्जामिनेशन है वो 3 स्टेज में परफॉर्म किया जाएगा यानी लिया जाएगा हमारा। देखो स्टेज वन में हमारा रिटेन एग्जामिनेशन और रिटेन एग्जामिनेशन में हमारा प्री का एग्जामिनेशन। रिटेन एग्जामिनेशन में क्या होगा? हमारा प्री का एग्जामिनेशन। उसके बाद स्टेज टू में हमारा लगेगा मेंस एग्जामिनेशन हो गया। और स्टेज थ्री में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। समझ गया? यानी ये एग्जाम हमारा 3 स्टेज में परफॉर्म किया जाएगा, ये 3 स्टेज में लिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन प्री मेंस, उसके बाद हमारा पीएटी यानी पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट या फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट अर्थात पीईटी या पीएफटी, पीईटी या फिर हमारा पीएफटी या फिर हमारा पीएसटी फिजिकल एज स्टैंडर्ड टेस्ट। समझ में गया? तो देखो इसमें जो हमारा योग्यता परीक्षण है, देखो इसमें पहला है कि देखो जो हमारा आवेदन के लिए अप्लाई किया हुआ भारतीय नागरिक कराना अनिवार्य है, यानी देखो यानी भारत के कोई भी नागरिक अगर वो हमारा पुरुष है महिला या फिर थर्ड जेंडर है कोई भी हो, अगर वो हमारा इंडियन है तो वह एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। देखो अर्थात आपकी शैक्षणिक जो योग्यता है वो हमारा 1 अगस्त तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा यानी हमारा ग्रेजुएट लेवल अर्थात हमारा डिग्री लेवल हो गया। डिग्री लेवल पर किसी भी सरकार द्वारा मान्यता के अनुसार उत्तीर्ण होना यानी पास होना अनिवार्य है। समझ में आ गया? इसमें जो हमारा न्यूनतम
उम्र सीमा है वो हमारा 1 अगस्त के अनुसार 1 अगस्त के अनुसार 1 अगस्त के अनुसार जो मिनिमम एज है वो हमारा 20 साल होना जरूरी है, कितना साल 20 साल होना जरूरी है, और जो हमारा मैक्सिमम एज ये हमारा मिनिमम एज हो गया मिनिमम एज हो गया हमारा 20 साल, और जो हमारा मैक्सिमम एज है मेल के लिए हमारा 37 ईयर है, कितना मेल के लिए 37 ईयर, किसके लिए मेल के लिए हो गया, और मेल के लिए हो गया। फिर हमारा मैक्सिमम एज हमारा 40 इयर्स फीमेल कैंडिडेट के लिए, 40 इयर्स फीमेल कैंडिडेट के लिए, किसके लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए, समझेंगे, यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए हमारा 40 इयर्स, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्या है, हमारा उम्र सीमा हुआ है, एज से रिलेटेड हो गया। अब देखो जो हमारा रिजर्वेशन है उसमें देखो, जो अगर हमारा जनरल कैटेगरी यानी हमारा आरक्षित यानी हमारा जनरल कैटेगरी से होगा यानी सामान्य वर्ग से होगा, तो उसमें जो पुरुषों के लिए हमारा न्यूनतम उम्र है वो 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र हमारा 37 वर्ष है, और महिलाओं के लिए यानी महिलाओं के जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम सबका 20 इयर्स है, और जो अधिकतम उम्र है मैक्सिमम में जो हमारा 40 साल है, कितना साल है 40 साल, समझ में आया। और जो हमारा पिछड़ा वर्ग यानी हमारा बैकवर्ड कास्ट और ओबीसी और बैकवर्ड कास्ट, इसमें जितने भी पुरुष एवं महिलाओं की न्यूनतम उम्र सीमा है वो हमारा 20 साल से लेकर 40 साल है, कितना 20 साल से लेकर 40 साल। और जो हमारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए यानी हमारा एससी और एसटी के लिए जो हमारा पुरुष एवं महिला एवं जितने भी थर्ड जेंडर है उसका जितना भी हमारा मिनिमम एज वो 20 साल है, और जो मैक्सिमम एज है जिसमें 2 साल एक्स्ट्रा है इसमें हमारा 42 इयर्स है, कितना है हमारा 42 इयर्स। देखो बिहार के जो वैसे मतलब सेवक यानी जो वैसे सरकारी नौकरी में पहले से शामिल है यानी वो सभी उच्चतर वेतन मान के लिए हुआ जाने से जाने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने, तो उसकी जो अधिकतम आयु की सीमा है उसे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी पहले से जो हमारा सरकारी व्यवस्था में कार्यरत है वो उसके अनुसार उसको 5 वर्ष की अधिक छूट दी जाएगी, समझ में आया। तो देखिए इसके बाद देखो हाइट, इसके बाद हमारा हाइट यानी हमारा ऊंचाई कितनी कितनी चाहिए, समझ में आया कितनी ऊंचाई चाहिए, तो देखो हमारा आरक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए जो हमारा जनरल कैटेगरी और साथ ही हमारा पिछड़ा वर्ग के लिए भी पुरुषों के लिए हमारा न्यूनतम 165 सेंटीमीटर अर्थात हमारा 5 फीट 5 इंच समझ गए, 165 सेंटीमीटर का मतलब हो गया हमारा 5 फीट, क्लियर है। अब देखो यानी जो हमारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग है यानी हमारा ओबीसी है ओदर बैकवर्ड कास्ट उसे पुरुषों के लिए न्यूनतम हमारा 160 सेंटीमीटर है यानी 160 सेंटीमीटर है अर्थात कहने का मतलब है 5 फीट 3 इंच, समझ गया 5 फीट 3 इंच। और जो हमारा एससी और एसटी के यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो पुरुषों के लिए हमारा न्यूनतम हाइट है वो 160 सेंटीमीटर यानी वही हमारा 5 फीट 3 इंच, समझोगे यानी 160 सेंटीमीटर। और सभी वर्गों के लिए अगर फीमेल कैंडिडेट है यानी महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई हमारा 155 सेंटीमीटर, कितना 155 सेंटीमीटर हमारा देखो 152.4 सेंटीमीटर अर्थात हमारा 152.4 सेंटीमीटर इंच पर हमारा कितना हो जाता है 5 फीट, कितना 5 फीट अर्थात इसका करने का मतलब लगभग 5 फीट 1 इंच के आसपास, लगभग 5 फीट 1 इंच के आसपास है, 5 फीट 1 इंच के आसपास, समझ में गया। तो देखिए उसके बाद हमारा हो गया चेस्ट, देखो उसके बाद हमारा यहाँ पर सी आई यानी हमारा चेस्ट, देखो चेस्ट केवल हमारा पुरुषों के लिए, इसमें जो हमारा जनरल कैटेगरी है कितना हमारा जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी हो चाहे हमारा ओबीसी बीसी हो बैकवर्ड कास्ट या फिर हमारा ओबीसी हो यानी ओदर बैकवर्ड कास्ट, सबके लिए जो हमारा सीमा हमारा वो न्यूनतम यानी मिनिमम हमारा 81% होना जरूरी है, और जो हमारा मैक्सिमम होगा वो 81 सेंटीमीटर मिनिमम और मैक्सिमम हमारा 86 सेंटीमीटर अर्थात 5 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड करना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा हमें एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब हमें विस्तृत करना,
समझ में, यानी फुलाना पड़ेगा, यानी 5 सेंटीमीटर को बढ़ाना पड़ेगा, समझ में गया। अब देखो आगे, जो हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है अर्थात एससी और एसटी है, उसमें जो हमारा चेस्ट है पुरुषों के लिए वो 79 सेंटीमीटर होना जरूरी है, यानी मिनिमम हमारा 79 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और जो मैक्सिमम है वो हमारा 84 सेंटीमीटर जरूरी है, यानी इसमें भी हमें 5 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड करना जरूरी है, यानी इसमें हमारा बस 1 सेंटीमीटर की कमी है। पहले हमारा 80 से 81 2 सेंटीमीटर, 81 से हमारा 86 था, अब हमारा 79 से हमारा कितना हो गया 84, समझ में गया। इसमें देखो, इसमें इसके बाद वेट, हमारा वेट कितना चाहिए, देखो यहाँ पर देखो वेट यानी वजन, देखो सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन हमारा 48 किलोग्राम होना जरूरी है, कितना किलोग्राम होना जरूरी है, 48 किलोग्राम होना जरूरी है, समझ में गया, यानी महिलाओं का मिनिमम वेट हमारा 48 किलोग्राम होना जरूरी है, समझ में गया। देखो जो हमारा थर्ड जेंडर है यानी हमारा ट्रांसजेंडर है, उसका जो भी हमारा शारीरिक दक्षता होगा वो जो हमारा पिछड़े वर्ग की महिला कि पिछले वर्ग की महिलाओं के भर्तियों के समान ही किया जाएगा, समझ में गया। इसमें देखो नियुक्ति की जो प्रक्रिया वो हमारा 3 स्टेज में किया जाएगा, देखो लिखित परीक्षा मतलब दो स्टेज में किया जाएगा, उसमें पहला स्टेज में दो टाइप है, यानी लिखित परीक्षा हमारा प्री है और मेंस है, तो जिसमें लिखित परीक्षा वो प्रथम लिखित इसमें लिखित परीक्षा का प्रथम चरण लिया जाएगा, समझ में ना, क्या लिया जाएगा प्रथम चरण, उसमें हमारा 100 अंकों का एक पत्र होगा, उसमें 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स करके, यानी हमारा कितना नंबर 200 नंबर, समझ में। इसमें हमें 2 घंटे की अवधि दिया जाएगा, देखो इसमें कितना अवधि दिया जाएगा 2 घंटे की, और इसमें 30% अंक का कटौती किया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्क्स हमारा 30% है, कितना है 30%। तो द्वितीय चरण, जब दूसरी चरण में यानी द्वितीय चरण में यानी मेंस का परीक्षा होगा, यानी मेंस का एग्जाम होगा, तो उसमें भी बिल्कुल देखो क्या होगा, हमारा जो 200 नंबर यानी प्रथम चरण में 200 अंक का सामान्य अंक का है हिंदी, हमारा 2 घंटे के लिए जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, 100 प्रश्न होंगे, और न्यूनतम हमारा 30% लाना जरूरी है, यानी जो हमारा जो द्वितीय चरण में हमारा प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें हमें 30% लाना अनिवार्य है, समझ में गया। देखिए उसके बाद ये हमारा हो गया लोकल पेपर, देखो हिंदी हो गया, इधर देखो इसमें जो भी रहोगे, देखो इसमें द्वितीय चरण में जो हमारा प्रथम पत्र है, प्रथम पत्र नॉर्मली हमारा सामान्य हिंदी का होगा, किसका होगा, सामान्य हिंदी का, प्रथम पेपर सामान्य हिंदी का, जिसमें हमारा 200 अंक में यानी 100 प्रश्न रहेगा, 100 प्रश्न 2 घंटा करके 2 मार्क का 200, उसमें हमारा 30% का मिनिमम में 30% कंपलसरी मार्क, 30% कंपलसरी मार्क। उसके बाद जब हमारा पेपर 2 रहेगा, देखो दूसरा पेपर, जब इसमें दूसरा पेपर लिया जाएगा तो वो सामान्य अध्याय का लिया जाएगा, या साथ ही सामान्य विज्ञान का, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता आदि का रहेगा, ठीक है, ये जन से संबंधित किया जाएगा। और जो द्वितीय पत्र का पूर्णांक होगा हमारा 200 का, यानी फुल मार्क्स हमारा 200, जिसमें हमारा 100 क्वेश्चन होगा और परीक्षा की अवधि भी हमारा 2 घंटा होगा, यानी 100 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स करके यानी हमारा कितना जाएगा 200, यानी 200 अंक, समझ में गया। देखो दोनों चरणों में गलत उत्तर के लिए हमारा 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी हमारा 0.2 अंक काटा जाएगा, समझ में गया। देखिए इसमें जो हमारा होगा दौड़, यानी हमारा रनिंग, इसमें जो भी हमारा क्या होगा रनिंग, तो जो भी हमारा रनिंग होगा वो पुरुषों के लिए, देखो सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए हमारा 1 मील का मतलब हो गया हमारा 1.6 किलोमीटर, दैट इज हमारा 1600 मीटर अर्थात 4 राउंड, कितना राउंड, 4 राउंड, तो 4 राउंड आपको 6:30 में करना है, कितना 6:30 में कंप्लीट करना है, अगर इससे ज्यादा आपको समय लगता है तो आपको असफल माना जाएगा। देखो सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए हमारा जो दौड़ है वो 1 किलोमीटर होना जरूरी है, कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, वो भी हमारा कितने 6 मिनट में 1 किलोमीटर हमारा, यहां पर 1 किलोमीटर कितने में होना जरूरी है, 6 मिनट में होना जरूरी है, समझ में गया। इसके बाद जो हमारा हाई जंप आएगा, देखो इसके बाद देखो यहां पर इसके बाद जो हमारा हाई जंप आएगा, यानी हमारा ऊंची कूद, पुरुषों के लिए देखो मिनिमम हमारा
मिनिमम यानी न्यूनतम 4 फीट होना जरूरी है। कितना फीट होना जरूरी है? 4 फीट होना जरूरी है। और 4 फीट से अगर आपको कम कूदे तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए देखो 3 फीट मिनिमम हमारा 3 फीट होता है। कितना होता है महिलाओं के लिए? मिनिमम 3 फीट छलांग लगाना जरूरी है। और जो हमारा लंबी कूद है देखो सभी सभी कोटि के पुरुषों के लिए हमारा 12 फीट कितना न्यूनतम हमारा 12 फीट क्या हो सकता है? कितने फीट की 12 फीट क्या हो सकता है? 12 फीट क्या हो सकता है? समझ गया। और जो हमारा महिलाओं के लिए है यानी सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए न्यूनतम हमारा कितना फीट है? 9 फीट है। यानी लॉन्ग जंप कितना हमारा 9 फीट है। समझ गया कितना फीट है? 9 फीट। कितना फीट है हमारा? 9 फीट। समझ में गया। देखो आगे बढ़ते देखो गोला फेंक। जो गोला फेंक हमारा है यानी गोला फेंकने वाला वो सभी कैटेगरी के पूरी पुरुषों के लिए यानी और हमारा मेल कैंडिडेट के लिए 16 पाउंड कितना पाउंड 16 पाउंड यानी 16 पाउंड 16 पाउंड को 12 सेंटीमीटर 16 फीट फेंकना पड़ेगा। कितना 16 12 का नीचे होगा। देखो ये कितना हो जाएगा हमारा 12 फीट। कितना फीट फेंकना पड़ेगा 16 फीट। 16 पाउंड को कितना फीट फेंकना पड़ेगा 16 फीट। कितना 16 पाउंड को 16 फीट फेंकना पड़ेगा। इन सभी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 16 पाउंड को 16 फीट फेंकना पड़ेगा। समझ में आया। और जो हमारा महिलाओं के लिए 12 पाउंड को कितने 12 पाउंड को 12 पाउंड को मिनिमम हमारा 10 फीट कितना फीट 10 फीट टोटल 10 बोले देखो कितना फीट 10 फीट कितना 10 फीट फेंकना जरूरी। समझ में आया। यानी देखो जो मेल है वो हमारे गोला पॉइंट के गोला पे क्या करेगा 16 पॉइंट को 16 फीट। और जो हमारा फीमेल है वो 12 पॉइंट को हमारा 10 फीट कितना फीट 10 फीट। समझ में आया। देखो देखिए और देखो उपरोक्त नियुक्ति उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची में मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटी पर तैयार की जाए। यानी आपका मेंस के एग्जाम के अनुसार यानी मेंस के मार्क्स के अनुसार आप लोग को रैंक दिया जाएगा। और उसमें देखिए जो हमारा लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का अगर समान अंक आ जाता है तो इस दशा में जो मेधा सूची में उसके स्थान पर जो ज्यादा एज वाला हुआ यानी जो उनके लिए निर्धारण उनकी जन्म तिथि निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। यानी जिसका जन्म तिथि ज्यादा है उनके अनुसार उसको वरीयता दिया जाएगा। यानी अर्थात उम्र के वरीय अभ्यर्थी को यानी ज्यादा एज वालों को ऊपर वाले रैंक में रखा जाएगा। समझ में आया। यानी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे यानी जो भी हमारा ज्यादा नंबर लगेगा वो ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने वाले की जन्म तिथि वाले दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समझ में आया। देखिए और इसमें देखिए इसमें जो हमारा देखो जो हमारा आरक्षण कोटी है यानी हमारा रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें अनुसूचित जाति अर्थात एससी के टोटल हमारा 275 पोस्ट है जिसमें से महिलाओं के लिए हमारा 35% अर्थात 66 पोस्ट रिजर्व है। और जो हमारा स्वतंत्रता सेनानी है उससे सभ्य संबंधी जितने भी है उसे हमारा 4 पोस्ट रिजर्व है और उसमें से भी एक महिलाओं के लिए रिजर्व है। समझ में आया। देखो इसमें अनुसूचित जाति यानी हमारा एसटी के लिए टोटल हमारा 16 पोस्ट है जिसमें से महिलाओं के लिए यानी फीमेल के लिए हमारा 4 पोस्ट के 4 पोस्ट हमारा रिजर्व है। देखिए और इसमें ओबीसी के लिए यानी हमारा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 पोस्ट है जिसमें से 75 पोस्ट हमारा फीमेल के लिए रिजर्व है और जो 4 पोस्ट है वो हमारा स्वतंत्रता सेनानी के रिलेशंस में ये सगे संबंधी के लिए रिजर्व है और उसमें से भी एक हमारा महिला कैटेगरी के लिए रिजर्व है। सुन लो गया। बैकवर्ड क्लास यानी हमारा पिछला वर्ग बैकवर्ड क्लास जितने भी है हमारा 107 पोस्ट है उसमें से हमारा 36 पोस्ट हमारा फीमेल के लिए रिजर्व है और जो 3 पोस्ट है वो हमारा स्वतंत्रता सेनानियों के सगे संबंधी के लिए रिजर्व है उसमें से भी एक पोस्ट हमारा फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। समझ में आया। देखो इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं देखो इसमें ये पिछले वर्गों की जो महिला है उसमें महिलाओं के लिए हमारा 82 पोस्ट रिजर्व है यानी जो हमारा बैकवर्ड क्लास में आते हैं वो 82 पोस्ट रिजर्व है। समझ में आया। देखिए महिलाओं के इसमें 82 पोस्ट रिजर्व दे दिए। समझ में आया। और जो इसमें जनरल है यानी हमारा जनरल का मतलब हो गया हमारा अनारक्षित यानी हमारा जो सामान्य वर्ग है उसमें से 441 पोस्ट है जिसमें से हमारा 153 पोस्ट हमारा रिजर्व है फीमेल के लिए रिजर्व है और इसमें से 9 पोस्ट हमारा इसमें से
मतलब उसमें से हमारा और 9 पोस्ट हमारा साथी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हमारा स्वतंत्रता सेनानियों की जो सगे संबंधी है उसके लिए रिजर्व है, उसमें से 3 पोस्ट हमारा महिलाओं के लिए रिजर्व है। सुन में गया? देखो उसके बाद EWS इकोनॉमी के लिए वेलफेयर सेक्शन आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए 111 पोस्ट है, उसमें से 34 फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व पोस्ट है। ओके, उसमें से भी 2 हमारा सगे संबंधी जो स्वतंत्रता सेनानी है उसके सगे संबंधी के लिए 2 पोस्ट रिजर्व है, उसमें से 1 पोस्ट हमारा महिला कैटेगरी के लिए यानी फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व है। समझ में गया? और जो हमारा ट्रांसजेंडर है, ये हमारा थर्ड जेंडर है, उसमें 5 पोस्ट है। समझ गया? कितना पोस्ट है? 5 पोस्ट है। ये टोटल हमारा 1275 पोस्ट है, जिसमें से 368 हमारा फीमेल के लिए रिजर्व है, और उसमें से टोटल हमारा 22 पोस्ट हमारा स्वतंत्रता सेनानियों के सगे संबंधियों के लिए जो हमारा स्वतंत्रता सेनानी उसके सगे संबंधी के लिए रिजर्व है। समझ में गया सभी को? आगे बढ़ते देखो देखिए देखिए तो इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इसके आप लोग तैयारी बेहतर से बेहतर बने। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जाइए। जय भारत।